14.3 भारतीय राजनीति में उन्नीस के बाद की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं। 14.3.1 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीविपर्स की समाप्ति प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बुनियादी नीतिगत बदलावों की योजना बनाई अमीरों के विरुद्ध और गरीबों के पक्ष में वे लोकप्रिय नीतियां लागू करना चाहती थी और साथ में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहती थी वे भूतपूर्व राजा महाराजाओं को स्वतंत्रता के समय से भारत सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान को समाप्त करना चाहती थी साथ ही वे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी ताकि उनका उपयोग गरीबों की मदद के लिए और कृषि क्रांति के लिए किया जाए सिंचित क्षेत्रों में किसानों को ऋण व अनुदान देकर उन्नत बीज खाद और दवाओं के उपयोग से उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार हुई जिसे हरित क्रांति कहा गया 14.3.2 कांग्रेस का विभाजन इस दौर में कांग्रेस पार्टी में मतभेद बढ़ते गए एक और युवा नेता थे जो गरीबों के पक्ष में तीव्र कदम उठाना चाहते थे और उनका वामपंथी दलों की तरफ झुकाव था दूसरी ओर संगठन के पुराने नेता थे जो बीच के रास्ते पर चलना उचित समझते थे इंदिरा गांधी के इन कदमों का आम लोगों ने काफी हद तक समर्थन किया लेकिन कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता उससे खुश नहीं थे अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए उन्नीस में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार वी वी गिरी का समर्थन किया कांग्रेस की फूट वास्तविक विभाजन में बदल गई इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस तथा के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस 14.3.3 बांग्लादेश युद्ध 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक थे लेकिन 1970 तक पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी भागों के बीच तनाव बढ़ता गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा कि उनकी उपेक्षा और शोषण हो रहा है पश्चिमी पाकिस्तान की सैनिक सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के चुने गए नेता को सत्ता न सौंपकर वहां बलपूर्वक शासन शुरू कर दिया इस कारण पाकिस्तान के दो भागों के बीच गृह युद्ध हो गया जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से भारी मात्रा में लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आए इस तनाव के चलते 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा जिसमें भारत पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने में सफल रहा पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बांग्लादेश बना 14.3.4 आपातकाल भारत के संविधान में यह प्रावधान है यदि सरकार यह महसूस करे कि देश में आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण का खतरा है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है आपातकाल का आशय यह है कि सरकार जरूरत के अनुसार नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकती है तथा संसद की शक्तियां भी सीमित कर सकती हैं मीडिया पर भी हर तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपातकाल एक तरह की असाधारण स्थिति हो सकती है जिसमें कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर सरकार कोई भी कदम उठा सकती है देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल केवल एक बार 1975 से 1977 तक लगाया गया था इस आपातकाल के पीछे 1971 के बाद की अनेक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं कुछ समस्याएं दीर्घकालीन बदलाव के कारण थीं जैसे सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार का बढ़ना कुछ कारण बाहरी थे जैसे 1973 में अरब इसराइल युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई जिसके प्रभाव से देश में महंगाई तेजी से बढ़ी 1971 के लोकसभा तथा उन्नीस के विधानसभा चुनाव में सरकार ने लोक लुभावन वायदे किए थे मगर उन्हें पूरा करने की तरफ कोई विशेष प्रयास होता दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे में लोगों में भारी असंतोष फैलने लगा और मजदूरों की हड़ताल और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे आंदोलन तीव्र होने लगे हालात उस समय और गंभीर हो गए जब पूरे देश के रेलवे मजदूर उन्नीस में एक अभूतपूर्व हड़ताल किए जिसे सरकार को सशस्त्र बलों की सहायता से नियंत्रित करना पड़ा दूसरी ओर बिहार और गुजरात के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले में इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया गया जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार को अलोकतांत्रिक मानकर हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन शुरू किया इन सारी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी सरकार का मानना था कि आंदोलनकारी देश को अशांति और अस्थिरता की तरफ ले जा रहे हैं ऐसे में देश को बचाने के लिए आपातकाल जरूरी हो गया था आपातकाल के कटु अनुभवों ने देश के अधिकांश विपक्षी दल को एकजुट किया वाम दलों को छोड़कर बाकी सभी दलों ने मिलकर जनता दल बनाया जिसने 1977 के चुनाव में अभूतपूर्व जीत के बाद सरकार बनाई लेकिन अंदरूनी मतभेदों के चलते यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और अंततः 1980 में फिर से चुनाव हुए जिनमें फिर से कांग्रेस को बहुमत मिल गया और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी